सिक्योर्ड रह सके। तेजस्विनी के प्रायोजक हैं वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए, और वेदांता, देश की जरूरत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। कहते हैं जिंदगी बदलने के लिए एक पल ही बहुत होता है, उसी तरह जिंदगी में सही दिशा दिखाने के लिए एक शिक्षक ही बहुत होता है। आज का तेजस्विनी का अंक इन मायनों में खास है कि आज देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे साथ जुड़ रही हैं दो ऐसी शिक्षिकाएं जिन्होंने अपना जीवन छात्र और शिक्षण को ही समर्पित कर दिया, जिन्होंने नए प्रयोगों के साथ, शिक्षण के साथ नए आयाम इस तरह जोड़े कि छात्रों की लर्निंग बेहतर हो सके, जिन्होंने छात्रों को स्कूल तक लाने में भी अपना जीवन इस तरह झोंक दिया कि छात्रों का जीवन, उनका भविष्य निखर सके। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में जुड़ रही हैं नागालैंड के कोहिमा की अध्यापिका स्वेदेसुमो जाओ और साथ ही साथ दिल्ली की भी द्वारका के बाल भारती स्कूल के प्रिंसिपल सुरुचि गांधी जी। नागालैंड के कोहिमा जिले के गांव जाखमा के शासकीय माध्यमिक विद्यालय की हेड टीचर स्वेदेसुनो जाओ पिछले 25 सालों से गांव में बच्चों की शिक्षा के प्रति समर्पित भाव से काम कर रही हैं। घर घर जाकर परिवारों को समझाना, बच्चों को स्कूल के प्रति आकर्षित करना, स्कूल की इमारत को विभिन्न विषयों से जुड़े तथ्यों से सजाने से लेकर हर छात्र पर इस तरह मेहनत करना कि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो, साथ ही छात्रों को पारंपरिक कलाओं के माध्यम से जीवन कौशल के लिए भी तैयार करने की पहल के साथ शिक्षा को रोचक और व्यवहारिक बनाने में प्रयासरत है मिस जाओ। इसका परिणाम ये है कि उनके स्कूल में पिछले कुछ सालों में बोर्ड परीक्षाओं में परिणाम 100% आ रहा है। ईमानदारी से की गई मेहनत को सफलता की कुंजी मानती हैं स्वेदेसुनो जाओ। दिल्ली के द्वारका स्थित बाल भारती स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती सुरुचि गांधी ने पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए हेरिटेज वॉक, नेचर वॉक जैसी एक्टिविटीज तो शुरू की ही, अटल टिंकरिंग लैब के जरिए छात्रों में नवोन्मेषी सोच को भी आगे बढ़ाया और उनके छात्रों ने अपने आविष्कारों से कई पुरस्कार भी अपने नाम किए। पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य कलाओं को बढ़ावा देने वाली सुरुचि गांधी बिना किसी दबाव के छात्रों की संपूर्ण क्षमता विकास को ही शिक्षा का मूल मंत्र मानती हैं। शिक्षा में अभिनव प्रयोगों द्वारा छात्रों का भविष्य संवारने वाली राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित ये शिक्षिकाएं ही हैं हमारी आज की तेजस्विनी। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी पहली मेहमान, दिल्ली के द्वारका स्थित बाल भारती स्कूल की प्रिंसिपल सुरुचि गांधी जी। सुरुचि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेजस्विनी कार्यक्रम में। तो आइए करते हैं मुलाकात सुरुचि गांधी जी से। सुरुचि जी, सबसे पहले ढेरों शुभकामनाएं आपको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए। थैंक यू। आपने 3 दशक से ज्यादा का वक्त शिक्षण क्षेत्र से आपका जुड़ा रहा है, ये बताइए हमें कि इतना काम करने के बाद जब ये राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, क्या मायने रखता है ये पुरस्कार आपके लिए? देखिए, पुरस्कार तो किसी भी उम्र में, किसी भी छोटे से बच्चे को लेकर बुजुर्ग को भी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा यही लगता है कि द रिवॉर्ड ऑफ डूइंग अ थिंग वेल इन इटसेल्फ इज़ अ रिवॉर्ड। यू नो, किसी भी काम को बहुत बेहतरी से और बहुत मन से और निष्ठा से करना अपने में ही पुरस्कार है। तो सारी ज़िंदगी मैंने बहुत ही मेहनत से और बहुत ही लगन से, तन्मय होकर काम किया है,
और बच्चों का प्यार, टीचरों का प्यार, मैनेजमेंट का रिस्पेक्ट, यही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। हाँ, ये बड़े गौरव की बात है क्योंकि राष्ट्रीय पुरस्कार पूरे देश में सिर्फ 44 टीचरों को सिलेक्ट किया गया है, तो नेचुरली बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस था जिसके बहुत सारे राउंड्स थे और बहुत सारे राउंड से सिलेक्ट होकर हम यहाँ पहुँचे, तो अपने पे गौरव तो महसूस होता है। बिल्कुल बिल्कुल रुचि जी, आपको जो पुरस्कार मिला है वो इस वजह से कि आपने कई इनोवेशंस को आपने साथ जोड़ा, पढ़ाई के साथ कुछ ऐसे नए प्रयोग किए हैं आपने कि पढ़ाई और रुचिकर बन गई है। कैसे आपने पढ़ाई के साथ ये नए आयाम जोड़े, कितने महत्वपूर्ण रहे ये? देखिए, मुझे यही लगता है कि अब चौक और टॉक का ज़माना चला गया है। आज के संदर्भ में अगर बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग आप देंगे तो बच्चे बहुत जल्दी एसिमिलेट करेंगे और समझेंगे। हम बच्चों को वास्तविक ज्ञान देते हैं और उनको रेस्टोरेंट्स के किचन में ले जाकर वहाँ खाना कैसे बनता है, कैसे बेक होता है, इस तरह की शिक्षा देते हैं। हम उनको मार्केट्स में, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, वहाँ जाके प्रैक्टिकल लाइफ दिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ टीचिंग के साथ साथ लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग और बच्चों को प्रैक्टिकल वर्ल्ड का एक्सपोजर देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन देखें तो आजकल जैसा महसूस किया जा रहा है कि भाई बच्चों को खुलकर सोचने का भी मौका दे शिक्षा और खुलकर करने और सवाल करने का भी मौका दे शिक्षा, कैसे आप इन लक्ष्यों को भी साधती हैं शिक्षण के जरिए? देखिए, हम हमारे यहाँ अटल टिंकरिंग लैब है जिसमें हम बच्चों को बहुत इनकरेज करते हैं कि वो एक्सपेरिमेंट करें, इनोवेट करें, एंड इट इज़ ओके टू फेल। यू नो, बच्चों पे ऐसा प्रेशर नहीं है कि आपने परफॉर्म करना है और आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ही होना है। तो हमारे स्कूल के बच्चों ने बहुत ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जो कि नेशनल लेवल पे उनको पुरस्कार मिला है। जैसे एक रोबोटिक आर्म बनाई है बच्चों ने, जो बोरवेल में बच्चे गिरते हैं उनको रेस्क्यू कर सकता है। ऑफकोर्स इट्स अ प्रोटोटाइप, वो बीप करेगा जहाँ बच्चा है, एंड इट विल हेल्प विद द कैमरा, इट विल हेल्प यू लोकेट वेयर द चाइल्ड इज। तो एक बच्ची ने बनाया था पॉट होल सेंसर, जैसे आप देखते हैं कि फ्लडेड रोड्स पे बहुत सारे पॉट होल्स हो जाते हैं जिसमें बाइकर्स गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो वो सेंसर बीप करेगा और आपको पहले बता देगा कि यहाँ पॉट होल है। ब्लाइंड मैन स्टिक बनाई बच्चों ने, जो स्टिक बीप करती है और एक ब्लाइंड मैन को रास्ता बताती है कि कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं है रास्ते में। इनफैक्ट मूड एनालाइजर तक बच्चों ने बनाया है। कई ऐप्स बनाए हैं जैसे कृषि सहायक ऐप, जो गवर्नमेंट की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसके बारे में अवगत कराती है। अच्छा। किसानों को। हाँ। और कहाँ से लोन मिल सकते हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के किसानों के लिए। तो इस तरह के ऐप्स जो हैं, हेल्थ ऐप बनाया है बच्चों ने, जो कोविड के टाइम कोई भी घर बैठकर उस ऐप से अपनी फिटनेस, बीएमआई, ये सब जांच कर सकता है। तो हम बच्चों को यही इनकरेज करते हैं कि आप नए नए प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, और उन्हीं प्रयत्नों से बच्चे सीखते हैं। और टीचर भी क्लास में आती है तो वो एक बड़ा इंटरैक्टिव सेशन होता है। वो ऐसा नहीं होता कि टीचर आके पढ़ा के चली गई, बच्चों के साथ शी इज अ फैसिलिटेटर, अ लर्नर एंड नॉट अ टीचर। जी, आजकल जैसे बात कही जा रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को सामने रखा है कि समाज को भी शिक्षण के साथ जोड़ा जाए, भागीदारी के साथ शिक्षण किया जाए, शिक्षक पर्व पर भी प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सामने रखा। ये बताइए हमें कि जब हम इन आयामों को शिक्षण के साथ जोड़ते हैं तो आपका अनुभव क्या कहता है? जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको तो नई चीज़ें मिलती ही हैं, वो तो सीखते ही हैं, लेकिन जो पीछे रह जाते हैं बच्चे, कहाँ तक हम उन्हें भी जोड़ पाते हैं? देखिए, मुझे कई बार ये लगता है कि पेरेंट्स जो हैं उनको थोड़ी ज़्यादा एजुकेशन चाहिए बच्चों से। अच्छा। क्योंकि पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेशर डालते हैं बच्चों पे, एज अ प्रिंसिपल आई फील समटाइम्स दैट चिल्ड्रन फील स्टाइफल्ड। उन पे परफॉर्म करने का बहुत प्रेशर होता है और इस प्रेशर की वजह से बच्चे जो हैं कई बार बहुत हीनता भी महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ गॉट अ केपेबिलिटी। अगर कोई बच्चा एकेडमिक्स में अच्छा है तो कोई डांस में अच्छा है, तो कोई म्यूजिक में अच्छा है, किसी को आर्ट का शौक है, तो हम हर बच्चे को उसकी प्रतिभा विकसित होने का मौका दें और एक ही बच्चे से सुपर किड एक्सपेक्टेशंस की डिमांड ना करें कि वो बच्चा म्यूजिक भी करे, डांस क्लास भी ज्वाइन करे, रोबोटिक्स भी करे, स्केटिंग भी करे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है, है ना? और वैसे देखें तो टीचर्स को इस मायने में बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि जब टीचर्स डे आता है तो जो प्यारे प्यारे मैसेजेस छात्र अपने दिल से लिखकर भेजते हैं उनका दिन बन जाता है, ज़िंदगी भी बन जाती है। आपको भी कभी कोई ऐसी बातें सुनने को मिली छात्रों से जिसने आपका भी दिल छू लिया हो, कोई ऐसा अनुभव? देखिए, तापसी पन्नू मेरी स्टूडेंट रही है। अच्छा। और बहुत साल मैंने उसको पढ़ाया, तो अभी रिसेंटली वो स्पेशली दिल्ली जब आई तो मुझसे मिलने आई और बहुत पूरा दिन उसने मेरे साथ व्यतीत किया। तो उसने एक ग्रैटिट्यूड नोट भी दिया और बहुत ही प्रशंसा करी और आभार व्यक्त किया।
तो मुझे ये लगता है कि द बेस्ट रिवॉर्ड इज कमिंग फ्रॉम योर स्टूडेंट्स दैट आफ्टर सो मेनी ईयर्स दे रिकॉग्नाइज यू और right. आपके आपके कॉन्ट्रीब्यूशन को वो सराहते हैं, एक्नॉलेज करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है. बिल्कुल. और आज हमारे साथ तेजस्विनी में जुड़ी है एक और शिक्षिका जो पूर्वोत्तर से हमारे साथ जुड़ रही हैं. आप हैं नागालैंड के कोहिमा के जाखमा गांव की अध्यापिका हेड टीचर स्वेदिसुनो जाओ. मिस जाओ, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में. वेलकम टू द शो. थैंक यू एंड hearty congratulations to you for the national award. Thank you, ma'am. Ms. Zhao, an important aspect of your life is that you worked a lot to bring children to the school. छात्रों को स्कूल तक लाने में आपने बहुत मेहनत की. घर घर जाकर आप लोगों के साथ मिली, पेरेंट्स को समझाया कि वो छात्रों को स्कूल भेजें, और ये आपका प्रयास सफल भी रहा. We would like to know, क्या है ऐसा जिसने आपको इतना प्रेरित किया कि आप इस तरह इन प्रयासों में जुट गई? What is it that motivated you to work for students and bring them to the school? Was there any experience which motivated you? Yes, see, working in the village, there is a very less students enrollment previously. But then I went around talking to parents and then calling students and give parents awareness talk to send their children to school. During parents-teacher meeting, I gave them a talk on the importance of education to all the rural village parents. So by this, the send their children to school. And then the enrollment of our students has also increased in our school. Okay, and you've also been working for more than 2 decades, 2 दशक से ज्यादा का वक्त हो चुका है आपको कि आप शिक्षण के साथ जुड़ी हैं. 24 years. हाँ, great. So, Ms. Zhao, what are the ways by which you make your teaching interesting? Because we've heard that you try to link the students with the traditional arts and also teach them the skills and make it very interesting for them to study in the school. क्या करते हैं आपकी वो पारंपरिक कलाओं के साथ भी आप बच्चों को जोड़ देती हैं और बच्चे रुचिकर शिक्षण और पढ़ाई सीख पाते हैं? I find that only theoretical knowledge is incomplete. So I work with children, I play with children, I work with children in the midday meal garden, planting trees, taking them to the paddy field during summer vacation, and then I come to the level of the children and talk with them. So this is how I work with children, and my school is my life. And then working with children, I like children, and working with children is my hobby. Yes, but what are the traditional arts? कौन कौन सी ऐसी पारंपरिक कलाएं हैं Ms. Zhao, जो आप बच्चों को सिखाती हैं और जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं? What are these traditional arts that you teach them? I teach them this one, basket making in the school, apart with life skill activities, making brooms, bamboo hard brooms, so that we use in the schools for boys, and then giving counseling class to all the students for boys and girls separately. So these are the things that I do in the school. Okay. Yeah. We've also heard that, you know, your schools are like books. आपने अपने स्कूल्स को इतने सुंदर तरीके से सजाया है कि छात्र वहाँ पर महसूस ही नहीं करते कि हम एक बोरिंग से क्लासरूम में बैठे हैं. स्टूडेंट्स के लिए आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा तैयार किया है कि छात्र स्कूल आना पसंद करते हैं. क्या कुछ ऐसे स्टेप्स आपने उठाए हैं कि यू नो मेकिंग द स्कूल्स इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स? यस, पेंटेड द होल स्कूल बिल्डिंग विद कोर्स रिलेटेड पिक्चर्स एंड देन डिफरेंट सिंबल्स in multilingual, math, science, English, Hindi, and Telugu in the school walls and outside the compound walls, and then making all this a learning for them in the school. So the children are happy, they are happily coming to school with all this, making a new changes in our school.
आपसे मिसाओ सफलता का मंत्र भी चाहेंगे, क्योंकि आपने जो स्टेप्स उठाए हैं उसका नतीजा ये भी नज़र आता है कि पिछले 4-5 सालों से आपका बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट 100% आ रहा है. सो व्हाट इज दिस मंत्र ऑफ सक्सेस बाय विच यू आर एबल टू मेक द रिजल्ट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम्स 100% फॉर द पास्ट सो मेनी ईयर्स? Yes. See, this is the all the contribution of the teachers, the hard work of all my staff, and the teachers who are working with me. So I acknowledge all of them, that everyone is working so hard in their own subject, helping us to achieve this 10% mark result for the last 5 years. That's so nice. We can really relate to what you're saying, because the way with dedication you're working with students, and that shows into that reflects into the results as well. और अब तेजस्विनी में हम अपने दोनों मेहमानों से कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे ताकि उनकी शख्सियत से भी हम रूबरू हो सकें. सुचि जी और मिस जाओ, आई वॉन्ट टू नो, डिड यू बोथ ऑलवेज वॉन्ट टू बी अ टीचर? सुरुचि जी, क्या आप हमेशा से एक अध्यापिका बनना चाहती थी? हाँ जी, आई वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ टीचर्स. माई मदर रिटायर्ड एज अ वाइस प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल एंड माई फादर इज अ प्रोफेसर. सो इट वॉज माई पैशन, टीचिंग वॉज इन माई ब्लड, एंड आई ऑलवेज थॉट दैट आई विल टेक टू टीचिंग, बिकॉज दिस इज हाउ यू कैन टच लाइव्स एंड इन्फ्लुएंस लाइव्स. ग्रेट. मिस साओ, हाउ वुड यू रिप्लाई टू दैट क्वेश्चन? यस, मी ऑल्सो, माई पेरेंट्स आर ऑल अ टीचर. My grandfather is also a national awardee during 1963. So the teaching is in my blood and it's a professional. All my parents are a teacher. So I select this teacher as my profession. Surushi ji, ek teacher ke taur par sabse bada challenge aapke liye kya rehta hai? Dekhiye, ek teacher ke saath saath main ek principal bhi hoon. तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यही रहता है कि यू हैव टू बी वेरी कॉम्पिटिटिव, योर रिजल्ट्स हैव टू बी वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू रियलाइज दैट एवरी चाइल्ड मे नॉट एक्सेल इन एकेडमिक्स. तो आपको बच्चों पे एक अनड्यू प्रेशर भी नहीं डालना और स्कूल का रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. हम सारी नेशनल सर्वेज में टॉप 3 स्कूल्स में आते हैं, दिल्ली के और इंडिया के टॉप 10 स्कूल्स में. तो इसलिए रिजल्ट को अहमियत देते हुए बच्चों पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं डालना, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्रेशर यही है. बिल्कुल, और ये बैलेंस करना और इसके साथ चलना वाकई बहुत मुश्किल काम है, जो आप करके भी दिखा रही हैं. मिस जाओ, आपके लिए व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज एज अ टीचर फॉर यू? द बिगेस्ट चैलेंज इज आई हैव टू एडजस्ट विद माय स्टूडेंट, आई हैव टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद माय टीचिंग स्टाफ टू डू ऑल द वर्क. So that is the challenge. I have to come to the level of the children and I have to deal well with my teaching staff who are working with me. राइट. और एक ग्रामीण क्षेत्र में आप बच्चों के साथ इतना कुछ काम सफलता से कर रही हैं, यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे आप भी सफलता से पूरा कर रही हैं. सुरुचि जी, व्हाट्स द बेस्ट पार्ट, मतलब एक अध्यापिका के तौर पर सबसे सुखद अनुभव क्या रहा है आपके लिए? देखिए, सबसे सुखद अनुभव तो यही रहता है कि बच्चों का प्यार आपके लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड है. जब बच्चे आपको थैंक्स करते हैं और कहते हैं थैंक यू मैम, इट वॉज़ अ वंडरफुल क्लास, आई थिंक योर डे इज़ मेड, तो सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड तो यही है. और पेरेंट्स की अप्रिसिएशन, मैनेजमेंट का एक बहुत ही सहयोग है, आपको सम्मान देना, आपको अटोनमी देना, आपको कंप्लीट फ्रीडम देना कि आप जो चाहे एक्सपेरिमेंट कर सकें. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन द बाल भारती ग्रुप ऑफ स्कूल्स वेयर आई गेट दिस काइंड ऑफ अ कंप्लीट अटोनमी एंड फ्रीडम टू इनोवेट एंड एक्सपेरिमेंट. एंड मिस जाओ, व्हाट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ टीचर फॉर यू? द बेस्ट पार्ट ऑफ अ टीचर फॉर मी मींस अ स्माइल फ्रॉम माय स्टूडेंट्स व्हेन दे आर हैप्पी विद मी एंड व्हेन आई प्ले विद देम. दे स्माइल, They are so innocent and I like to be with them, and that's my greatest joy, to be with children. Right, and you are dealing with the lower classes, which makes it all the more important for you, for your students also, to enjoy the study with you, which they are doing. Surujit ji, halanki teachers का बोला हुआ एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे में आज तेजस्विनी के मंच से आप अपने छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि फॉलो योर हार्ट, आपका जो पैशन है, जो आपका इंटरेस्ट है वो करिए. सभी लोग डॉक्टर, इंजीनियर या आर्किटेक्ट्स,
नहीं बन सकते, कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं बन सकते, जो आपकी इच्छा है वो करिए, बट अलॉन्ग विद सक्सेस एंड एक्सीलेंस ऑल्सो एम एट डिवेलपिंग लाइफ स्किल्स, बी रेडी टू एक्सेप्ट फेलियर्स. आज हम देखते हैं कि बच्चे इतने अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद भी सुसाइड्स कर लेते हैं. क्यों? क्योंकि हमने उनको लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग नहीं दी, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि इट्स ओके टू फेल, इट्स ओके नॉट टू सक्सीड. तो ग्रेशियसली हम अपनी फेलियर भी एक्सेप्ट करें और एक्सीलेंस के लिए भी काम करें, और इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस बना के रखें ताकि हम लाइफ के बिगर एग्जाम को अच्छे से फेस कर सकें. क्या बात है. मिस जाओ, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू योर स्टूडेंट्स? आई वांट टू एनकरेज ऑल माय स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, ओबे देयर टीचर्स एंड पेरेंट्स, एंड एनकरेज देम टू लर्न ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्क. एंड द स्टूडेंट्स शुड वर्क like that there is no tomorrow, because if you keep pulling off your studies for tomorrow, you would probably be too late. So I want them to do their work today and itself. Right. मतलब ईमानदारी से मेहनत करते रहे छात्र तो वो जिंदगी में सब हासिल कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात कही है आप दोनों शिक्षिकाओं ने, और हम उम्मीद करते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप यूं ही आगे बढ़ाती रहेंगी, क्योंकि शिक्षक ही हैं आप जैसे शिक्षक जो बच्चों का भविष्य संवारते हैं और देश का भी भविष्य उससे संवरता है. बहुत बहुत शुक्रिया मिस जाओ और सुरुचि जी हमारे साथ तेजस्विनी में जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच मिस जाओ, इट वॉज अ प्लेजर टू बी विद यू. और अब वक्त तेजस्विनी कार्यक्रम में हमारे अगले सेगमेंट का, जहां पे हम आपको रूबरू कराते हैं स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगनाओं से. और आज की हमारी गुमनाम नायिका हैं बिहार के सारण की तारा रानी श्रीवास्तव. बिहार के सारण की तारा रानी श्रीवास्तव ने भारत छोड़ो आंदोलन में अपने पति फुलेंदु बाबू के साथ सक्रिय रूप से भाग लिया. गांधी जी के आह्वान पर फुलेंदु बाबू ने सिवान थाने के सामने राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए पुरुषों और महिलाओं की भारी भीड़ एकत्रित की. अंग्रेजों की बंदूकों के आगे देश का झंडा थामे सीना तान कर खड़े थे आजादी के मतवाले. उन्हें गोली लगी तो तारा रानी ने अनुकरणीय साहस का प्रदर्शन करते हुए पति के घावों पर पट्टी बांधी और राष्ट्रीय ध्वज के साथ खुद पुलिस स्टेशन की ओर चल दी. जब तक वो लौटी तब तक उनके पति की मौत हो चुकी थी. लेकिन तारा रानी डरी नहीं, रुकी नहीं, बल्कि आजादी मिलने तक संग्राम से जुड़ी रही और विरोध की आवाज बुलंद करती रही. अपनी सारी खुशियां, सारा जीवन देश की आजादी को समर्पित करने वाली वीरांगना तारा रानी श्रीवास्तव को देश कर रहा है सलाम. तो आज के इस तेजस्विनी कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें ईमेल के जरिए जरूर बताइएगा. हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ednews@gmail.com. तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी और एक और वीरांगना के साथ. नमस्कार. तेजस्विनी के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए, और वेदांता, देश की जरूरत के लिए आत्मनिर्भर भारत के लिए.